हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 फिजिक्स के महत्वपूर्ण दोस्तों जो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है उस सभी क्वेश्चन को आप लोगों को डील करके बताएंगे। भैया आप लोगों का सीरीज चल रहा है दोस्तों, यह सीरीज का 4 नंबर वीडियो है, यानी कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को जिक्र किया दोस्तों 50 महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन देने का, जो कि मुझे लगता है दोस्तों 50 क्वेश्चन जितना बता रहा हूँ उसमें से मैं गारंटी के साथ कहता हूँ 10 क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में बिल्कुल मिलेंगे। यानी कि 10 गुना 2 कर दो दोस्तों आप लोग को 20 मार्क्स देने से जो होता है दोस्तों थ्योरी में आप लोग को कोई नहीं रोक सकता है। शर्त यह है कि दोस्तों आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए, जितना बता रहा हूं उस क्वेश्चन को आप लोग याद करते जाइए, क्योंकि मैं आसान परिभाषा के साथ एकदम पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा, तो एकदम जाहिर सी बात एकदम बिल्कुल आपके दिमागों में एकदम किल की तरह दोस्तों जो तीर की तरह जो होता है एकदम निशाने पर जाएगा, जिससे आप लोग दोस्तों जिंदगी भर याद रखोगे। आप लोग दूसरों को भी पढ़ा दोगे लेकिन भूलोगे कि नहीं परिभाषा, ऐसा परिभाषा बताऊंगा। तो चलो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, उससे पहले दोस्तों चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हम आपको ऑल सब्जेक्ट की क्लास 12 का तैयारी करा रहे हैं। तो आप लोगों को दोस्तों अगर क्लास ज्वाइन करना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हो, वहां से बेहतरीन तैयारी कराए हैं। तो देख सकते हो दोस्तों फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का रहा है कि किस चालक का, देखिए 16 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट हो गया, इससे पहले 15 क्वेश्चन का मैं आप लोगों को जो सॉल्यूशन है तो दोस्तों करा दिया, तो आप लोग उस वीडियो को भी देख लेना, सारा क्वेश्चन को एकदम नोट करने, या तो आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करें वहाँ से आप लोग को PDF दे देंगे, पहले समझ लीजिए दोस्तों, तभी आप लोग को जो होता है दोस्तों आप लोग को याद हो पाएंगे। देखिए प्रतिरोधकता क्या है, इसका मात्रक को लिखिए। तो देखिए दोस्तों एकदम आसान भाषा है, बिल्कुल आपकी भाषा में लिखा गया है। देखिए क्या कहता है, किसी चालक का प्रतिरोध आर, ठीक है ना दोस्तों, किसी चालक का प्रतिरोध, देखिए मेरी भाषा में समझिए, किसी चालक का प्रतिरोध आर चालक अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल ए के गुणनफल तथा गुणनफल इसके लंबाई के अनुपात, लंबाई दोस्तों क्या एल है, लंबाई क्या है दोस्तों एल के अनुपात को चालक का विशिष्ट प्रतिरोध कहा जाता है। देखिए दोस्तों आप ध्यान समझिए, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है आर है, ठीक है, इसके चालक अनुपात काट के क्षेत्रफल क्या है ए है, देख सकते हो ए है, तथा इसके लंबाई के अनुपात, अनुपात मतलब रेशियो के अनुपात को ही हम दोस्तों क्या कहते हैं, चालक का विशिष्ट, सॉरी दोस्तों विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कहा था। देखिए दोस्तों कितना ही लैंग्वेज है यार, आप लोग तो एकदम बेहतरीन तरीके से याद कर सकते हो। और इसे दोस्तों जो सूचित किया था रो द्वारा सूचित किया जाता है, इसे रो बराबर दोस्तों जो होता है आर इंटू ए बटा एल होता है। देखिए यह शुद्ध एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग एकदम जितना बताए उतना आप लोग को याद कर लो यार, एकदम कहता है गाधा करना तो आप लोग इसका इतना ही आप लोग को याद करना है। देखिए इसका जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है, इसका जो मात्रक होता है दोस्तों ओम मीटर होता है, देखिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ है दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों देखिए प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है प्रतिरोध का मात्रक ओम और ए क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, एल का मीटर हो गया, ठीक है ना, तो ओम मीटर इसका मात्रक हो गया। इसका बीमा भी देख सकते हो दोस्तों, एम एल क्यू टी के पावर माइनस थ्री और ए के पावर माइनस टू है, ठीक है ना, यहाँ पर दोस्तों माइनस थ्री यहाँ पर पावर दिया गया है। चलिए आशा दोस्तों जो होता है ना ये आप लोग स्क्रीन शॉट ये आप लोग नोट करो, आप लोगों को कहता पक्का गारंटी के साथ जितना बता रहा हूँ 50 सब्जेक्ट के, लेकिन एकदम ऑथेंटिक एकदम कहता हूँ जितना लोग लिख दोगे दोस्तों आप लोग को 2 मार्क्स से 1 मार्क्स भी नहीं कटेंगे। क्यों दोस्तों, देखिए इसको इसका परिभाषा दिए, ठीक है ना, इसका परिभाषा दिए, इसको किससे सूचित किया था ये बताएं, इसको दोस्तों इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, क्या हुए 3 टाइप हुए, और इसका सूत्र क्या होता है दोस्तों, इसका बीमा जो मात्रक होता है वो क्या होता है 4 हुआ, इसका बीमा 5 हुआ, यानी कि 1 मार्क भी ना आप लोगों को नहीं काटेगा, 3 मार्क्स कब रहे तो 3 में 3 आप लोग को मिलता है, ठीक है ना, तो आप लोग इतना ही लिख देना आप लोग को बस, ये इतने ही एग्जाम में जांचने वाले हैं खुश हो जाएंगे। चलो गुलाम के नियम की सीमाएं लिखे, देखिए दोस्तों एग्जाम में अक्सर यह क्वेश्चन पूछता है कि गुलाम की सीमाएं क्या, देखिए बहुत बड़ा एग्जाम में पूछा हुआ लेकिन मैं यहाँ पर लिखा नहीं हूँ किस एग्जाम में पूछा गया है, लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना दोस्तों क्वेश्चन बैंक उल्टे हो गए, या क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, यानी कि गुलाम जो नियम की जो सीमा होते वो क्या होते बताना है। तो देखिए दोस्तों यह जो नियम है दोस्तों केवल बिंदु आवेशों के लिए मान्य होता है, यह दोस्तों जो नियम है केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है, ठीक है ना, आप लोग को याद रखना है यह नियम है कूलाम का नियम है, केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। किसके लिए प्यारा दोस्तों, केवल और केवल बिंदु आवेशों के लिए सत्य है। इसका दोस्तों दूसरा देखिए यह नियम जो होता है केवल स्थिर आवेशों के लिए लागू होता है, यह नियम है दोस्तों केवल और केवल स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, इससे भी आप लोग को एकदम याद में रखना है। और यह नियम है दोस्तों जो 10 मीटर से लेकर के 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होता है, यानी कि दोस्तों जो 10 से 14 मीटर से होता है दोस्तों से कम मीटर जो होता है ना कम दूरी उसके लिए लागू नहीं होता है, यानी कि यह नियम है दोस्तों 10 से 14 मीटर से कम दूरी के लिए लागू नहीं होगा, ये आप लोग को ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए इतना आसान लैंग्वेज था दोस्तों, कितनी बेहतरीन तरीके से आप लोग याद कर सकते हो दोस्तों, अगर आप लोगों ने हर स्टूडेंट होंगे ना दोस्तों तो एकदम याद करते होंगे परिभाषा को, आप लोग को एग्जाम के लिए टेंशन हो तभी आप लोग याद करते होंगे, कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जो याद नहीं करते होंगे सिर्फ ऑब्जेक्टिव पर ही निकल रहे हैं, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं सब हुआ था दोस्तों नंबर कहाँ से उठेगा, इसलिए कहता हूँ सब्जेक्टिव इससे है दोस्तों 95 ऐसे नहीं आएगा दोस्तों बिना मेहनत करके हुई।
तो आप लोग दोस्तों करना चाहते हो बिल्कुल एकदम बेहतरीन तरीके से कर सकते हो। देखिए यह क्वेश्चन दोस्तों 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन, तो समझ सकते हो एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो तभी मैंने आप लोग को कवर किया इतना सारा क्वेश्चन। पूर्ण आर्थिक परिवर्तन की आवश्यकता दोस्तों पूछा है कि क्या होता है, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए, यानी कि आई ग्रेट टेंडन दोस्तों क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए। आई ग्रेट टेंडन क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से अधिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए दोस्तों, आपतन कोण का मान क्रांति कोण के मान से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। ठीक है ना, आप दोस्तों प्रकाश के किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए दोस्तों, आप लोग को ये भी ध्यान में रखना है। प्रकाश किरण को सागर माध्यम से विरल माध्यम में जाना चाहिए। ये दोनों दोस्तों आप लोग लिख दोगे तो एक मार्क्स भी ना आप लोग को काटे जाएंगे, इसमें एक मार्क्स और इसमें एक मार्क्स, और ये स्पेशल दोस्तों। ठीक है ना, तो आप लोग ध्यान रखना, इतना लिख दोगे दोस्तों तो दो मार्क्स ही आप लोग को एकदम फूल जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों सात को पूछा है, दो सातें लिख दोगे एकदम काफ़ी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश के व्यतिकरण क्या, देखिए एकदम आसान लैंग्वेज लिया है दोस्तों, एकदम गर्दा गर्दा कह सकते हो एकदम समझ सके। देखिए क्या कहता है, जब एक ही तरंग धैर्य के प्रकाश के दो तरंग एक साथ किसी माध्यम में, ठीक है ना, जब एक ही तरंग धैर्य के, यानी कि देखिए दोस्तों तरंग धैर्य यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा गया, इसके आप लोग इस तरह से लिख देना, ठीक है ना, धैर्य दोस्तों इस तरह से, ठीक है ना, तरंग धैर्य यहाँ पर इस तरह से लिख देना, यानी कि जब प्रकाश, जब एक ही तरंग धैर्य के, ठीक है ना, जब एक ही तरंग धैर्य के प्रकाश के दो तरंगे, ठीक है ना दोस्तों, जब एक ही तरंग धैर्य के प्रकाश के दो तरंगे एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में क्या कहता है, चलता है, जिस पर से प्रकाश के अध्यारोपण के कारण प्रकाश तीव्रता में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो इसे दोस्तों प्रकाश का व्यतिकरण कहा जाता है। कितना आसान लैंग्वेज है दोस्तों, बेहतरीन तरीके से आप लोग याद करते हैं। देखिए आप लोग जैसा बोलते हो आप लोग वैसा ही बोलिए, देखिए बोलिए, जब एक ही तरंग धैर्य के प्रकाश के दो तरंगे, ठीक है, जब एक ही तरंग धैर्य के प्रकाश के दो तरंगे, ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है, एक साथ किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलता है, ठीक है ना, एक ही दिशा में चलेगा तो क्या होगा, तो प्रकाश का अध्यारोपण होगा, इनके पास प्रकाश का अध्यारोपण के कारण प्रकाश की तीव्रता जो होता है ना दोस्तों, उसमें परिवर्तन हो जाएगा, बस यही घटना हमारा प्रकाश का व्यतिकरण करेगा। इतना इजी पेपर में परिभाषा कहीं आप लोगों को नहीं मिलेगा दोस्तों, आप लोग ढूंढते रहते होंगे, इतना सटीक और इतना आसान लैंग्वेज आप लोगों को दोस्तों ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो आप लोग जितना बतलाएं दोस्तों, अगर 95% करना चाहते मेरे साथ कहिए दोस्तों, आप लोग जब एग्जाम दोगे दोस्तों तो आप लोगों को कितना फायदा होगा वो आप लोगों को पता चल जाएंगे। तो आप लोग रेगुलर क्लास ज्वाइन करो यार, हम आपके साथ हैं, बस यही आप लोग समझो ना आपकी सफलता है, क्योंकि हम आप लोग के लिए दोस्तों दो से लेकर 5 मार्क्स ऑब्जेक्टिव से लेकर के सब्जेक्टिव तक बेहतरीन तैयारी कराने के लिए एकदम तैयार है, तो आप लोग मेहनत करने के लिए क्यों ना तैयार हो। चलिए विवा मापी क्या है दोस्तों, देखिए इसका उपयोग नहीं लिखा है, लेकिन इसका उपयोग भी लिखवा देंगे, एग्जाम में पूछता है। तो देखिए विवा मापी उस प्रकाशीय यंत्र को करते हैं डी, ठीक है ना, जिसके द्वारा विद्युत वाहक बलों को तुलना किया जाता है, या दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना किया जाता है, बस यही है दोस्तों विवा मापी की इतनी आसान लैंग्वेज परिभाषा। तो आप एकदम आशा दोस्तों एकदम बिल्कुल एकदम वीडियो पसंद है, एकदम वीडियो को एकदम दिल से लाइक करें दोस्तों, कोई जबरदस्ती नहीं, अगर आप लोग को वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, नहीं पसंद है कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप लोग अन्याय अनलाइक भी कर सकते हैं दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए वीडियो लाता हूँ, अगर आप लोग को पसंद ही नहीं आएगा तो आप लोग लाइक करके क्या करोगे दोस्तों, आप लोग ही सब जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा वीडियो पसंद आया तो। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।